तो गुजरात विधानसभानी ચૂંટણીની જાહેરાત થતાની સાથે ભાજપ કોંગ્રેસ દ્વારા પ્રચાર પ્રસાર શરૂ કરી દેવાયો છે અને ત્યારે ભાજપ દ્વારા ઉમેદવારોના પ્રચાર માટે સ્ટાર પ્રચારકોને મેદાને ઉતાર્યા છે અને ત્યારે આજે પંચમહાલના શહેરા ખાતે રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ જેપી નડ્ડાની જનસભા યોજવામાં આવી હતી ત્યારે આ જનસભા જેઠા ભરવાડ દ્વારા વિવાદિત નિવેદન પણ સામે આવ્યું છે જેમાં જેઠા ભરવાડે દિલ્હીના મુખ્યમંત્રી અરવિંદ કેજરીવાલ પર નિશાન તાક્યું છે અને કેજરીવાલ ને ખુલ્લો પડકાર ફેંક્યો છે તેવું જણાવ્યું હતું કે દિલ્હીથી કેજરીવાલ ગુજરાતમાં આવ્યા છે અને ત્યારે કેજરીવાલ ને પહેરેલ કપડે જ પાછા મોકલીશું અને ગુજરાતમાં ભાજપની જ સરકાર બનાવવાની છે કેજરીવાલ ને જેઠાભાઈ ભરવાડે ખુલ્લો પડકાર ફેંક્યો હતો કેજરીવાલમાં હિંમત હોય તો શહેરમાં આવી અને ચૂંટણી લડી જુએ કેજરીવાલ દેશના ભાગલા પાડવાવાળા છે અને તેમને પાકિસ્તાન મોકલી દેવા જોઈએ તેવું વિવાદાસ્પદ નિવેદન આપ્યું હતું और एक नई पार्टी आई अभी वापस भेजेंगे जेठा भाई आप चिंता मत करो ये लेफ्ट राइट करके अजीब वापस जाते कोई चिंता मत करें मैं आपको आपको इनका ट्रैक रिकॉर्ड छोड़ना चाहूंगा पत्रकार बंधु मेरे से बार 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 पूछते हो आम आदमी पार्टी का क्या होगा आम आदमी पार्टी का वही होगा जो इन्होंने आम आदमी के साथ किया यही होगा और क्या होगा ये उत्तर प्रदेश में लड़ने गए थे पत्रकार भाई नोट कर लेना 350 सीटों पर चुनाव लड़ा और 349 सीटों पर जमा लग जाते ये उत्तराखंड में चुनाव लड़ने गए 69 सीटों पर चुनाव लड़ा 68 सीटों पर जमा लग जाते और इनका जो चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट था वो आज हमारे बीजेपी का प्रचार कर रहा है वो बीजेपी में आ गया ये गोवा लड़ने गए गोवा में मैं गया उतरा एयरपोर्ट पर बैनर ही बैनर हर जगह देखो वही देखा बड़ा भोला तस्वीर हर एक जगह बैनर ही बैनर मैंने कहा भैया ये बैनर लगे हुए क्या है बोला आगे आगे देखो होता है क्या मैंने कहा क्या होगा बोले नतीजे देख लो ना नतीजे क्या है 49 सीटों पर चुनाव लड़ा 35 पर जमानत जब्त हो नहीं 49 को क्या अधिकार है लोकशाही है राजनीति करे उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है चुनाव आता है लड़े और हर जगह गए तो हर जगह लड़के वापस आए और क्या हुआ सबकी डिपॉजिट जब्त हुई हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बताया कि हर जगह जो हुआ चुनाव हुआ गोवा में तो 39 सीट थी तो उसमें से 35 सीट में तो डिपॉजिट जब्त हो गई तो ऐसा ही होने वाला गुजरात के अंदर भी यही होगा गुजरात लोग वापस ही भेजेंगे और क्या कर सकते हैं यहाँ तो नरेंद्र मोदी का घर है नरेंद्र मोदी जी का घर है अमित शाह का घर है वो एक कहवा थे ना गुजराती में कि सिंह की बोखल में सियालिया घुस जाए तो क्या होगा तो ये सिंह की बोखल में आ गया है तो उसकी हालत बरखराब होने वाली है उसमें कोई दो राह नहीं है और केजरीवाल जी का हालत खराब होगा उसमें कोई राह नहीं है और केजरीवाल को जो बड़ा शौक है तो हमारे सामने लड़ने आ जाए कैंडिडेट बन के हम उसको हरा के घर भेज देंगे चेहरा में से वो कैंडिडेट नॉमिनेशन फाइल करे मैं चैलेंज देता हूँ मैं हरा के घर भेज दूंगा उसको।